चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। छठी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26। ए बी रेखा पर बिंदु ए पर 120 डिग्री का कोण प्रकार द्वारा बनाओ। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा ले लेते हैं ए बी यहाँ पे। ये अब देखिए ये हमारी आ रही है ए बी रेखा है आपका ए और बी 120 डिग्री का है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो जो हम यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये चाप हम लगा रहे हैं यहाँ से, इस तरह से डॉटेड लाइन है। तो यहाँ से जहाँ हमने चाप शुरू की है ये पहला हमारा पॉइंट है पी। यहाँ से जब हम यहाँ से चाप लगाएंगे ये जो पहली चाप हमारी पी पॉइंट से लगेगी ये, इसका नाम हम दे देते हैं डी। और मैंने आपको बताया है ये जो आपकी चाप होती है ये होती है 60 डिग्री की, और हम जब यहाँ डी पर प्रकार रखेंगे और एक चाप हम आगे और लगा देंगे इससे डॉटेड इस तरह से, ये जो चाप आपकी आ रही है ये आ रही है, इसका नाम हम दे देते हैं ई, और ये है आपकी 120 डिग्री की। तो हमने क्या करना है ए से ई को मिला देना है यहाँ से, और इसको डार्क मिला देना है इससे, ऐसे हम इसको डार्क मिलाएंगे। ये जो आपका एंगल बन रहा है ये है आपका 120 डिग्री का। इस तरह से आपका एक कोण बनके तैयार हो गया, बहुत आसान है। प्रश्न नंबर आपका है 26। इस तरह से आपने भी आराम से बना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 105 डिग्री का कोण बनाओ। तो अभी हमने 120 डिग्री का कोण बनाया था, तो हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये भी रेखा ले लेते हैं यहाँ पे, दी हुई रेखा हमेशा हल्की होती है। ये पॉइंट है इसका नाम हम दे देते हैं ए, ये पॉइंट है इसका नाम हम दे देंगे बी। यहाँ पे ये बी पॉइंट आ रहा है आपका। तो हमने क्या करना है 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, जो कि आपको बनाना आता है। मैं फटाफट से 90 डिग्री का कोण बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये चाप हमारी लग रही है, इसका नाम हम यहाँ से दे देते हैं P। अब ये पहली चाप मैंने अभी आपको बताया था कि पहली चाप कितनी डिग्री की होती है, ये हमारी चाप होती है 120। नहीं, शाबाश, आपका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है, ये होती है 60 डिग्री की, और इसका नाम हम दे देते हैं R। दूसरी जो चाप हम लगाएंगे वो होगी 120 डिग्री की, शाबाश। इस तरह से आपने कॉन्फिडेंस रखना है, अगर मैंने 120 बोला है तो 120 नहीं है, सिर्फ आपको उलझाने के लिए कहा है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो दूसरी चाप लगाई ये हमारी 120 की और ये हमारी 60 डिग्री की है। अब 60 का और 20 का अगर हम आधा करेंगे तो हम प्रकार रखेंगे आर पर और ऊपर को इस तरह से चाप लगा देंगे डॉटेड, और फिर हम एच पर पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और हम एच पॉइंट से इस चाप को काट देंगे जो हमने पहले लगाई थी, और जहाँ पे ये कट रही है या हम थोड़ा सा इस तरह से डार्क भी लाइन लगा सकते हैं जहाँ पे ये कट रही है आपस में, ताकि हमें पॉइंट पता चले। अब हमने डॉटेड लाइन लगानी है यहाँ से, क्योंकि ये हमारी सहायक रेखा है, तो यहाँ से हम डॉट लगाएंगे, बिंदु किसी स्थान को प्रकट करते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, तो ये सिर्फ बिंदुदार लाइन है। यहाँ पे जहाँ ये इस चाप को काट रहा है 90 डिग्री वाली रेखा, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे N। अब हम क्या करेंगे N पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और ऊपर जो है वो इस तरह से चाप लगा देंगे, फिर हम H पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और इस चाप को इस तरह से काट देंगे। अब जहाँ ये आपस में इस तरह से मिल रही है हम थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हैं ताकि हमें पॉइंट पता चले, ये आपका पॉइंट है यहाँ पे। तो अब ये जो पॉइंट है इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे E। ये इस पॉइंट का नाम मैंने E दिया हुआ है, और हमने E को A के साथ मिला देना है, और वो भी डार्क। क्यों डार्क क्यों मिलाना है भाई, हमने डॉटेड क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि ये हमारी उत्तर की रेखा है। देखो ये दी हुई रेखा है, तो ये आपकी हल्की है,
ये आपकी सहायक रेखा है तो ये डॉटेड है, और ये आपकी अंश रेखा है तो ये डार्क है। ये आपका एंगल बन चुका है 105 डिग्री का। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 60 की चाप लगाई, फिर 120 की लगाई, फिर 90 का किया, बनाया कौन, फिर 90 डिग्री का और 120 डिग्री का आधा किया, तो ये हमारा बन गया 105 डिग्री का। इस तरह से आपने भी इसको प्यार से आराम से सफाई से बना।